हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है एक वीडियो अभी ऑलरेडी आ चुकी है चार्ट ऑफ द वीक चार्ट ऑफ द डे में आ, ये शेयर जब भी डीएमए के आसपास आता है बहुत तेज भागता हुआ दिखाई देता है और वही अपॉर्चुनिटी दोबारा बनती हुई नजर आ रही है जाके इस वीडियो को देखिए अच्छा खासा आपको अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई देगी और इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले देखिए आपने देखा होगा जो भी अंडर वैल्यू शेयर है ओके okay, जो कि अभी तक भागे ही नहीं है पिछले डेढ़ साल से जब से पेंडेमिक आया तब से उन्होंने कुछ काम करके दिखाया ही नहीं है ऐसे स्टॉक्स अब भागना शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे कभी कोई स्टॉक भागता हुआ नजर आता है कभी कोई ऐसे ही दो से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं और जानेंगे उसके फंडामेंटल एज वेल एज टेक्निकल और वो शेयर मुझे लगता है कि अब लेने का एक अपॉर्चुनिटी बन गई है और वो स्टॉक से रिलेटेड पहले भी हमने काफी और बातें करी है हमने अगर बात करें उसमें से ट्रेडिंग में पैसा कमाया है आज के दिन भी भक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ दिन से भाग ही रहे हैं और मुझे लगता है वो अपने ऑल टाइम हाई को अब इस बार क्रॉस करते हुए दिखाई देंगे एफ आई डी आई की बाइंग में अब आती हुई दिखाई देगी तो आइए जानते हैं उन पर्टिकुलर वीडियो पर्टिकुलर शेयर्स के बारे में बट फोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल जो आपका खुद का चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर इसे सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो मिलती रहे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दूसरी वीडियोज को लाइक करिए प्ले लिस्ट आपके लिए बना रखिए को गो थ्रू करिए और अगर हम यहाँ पर बात करें बाइक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं अपने फाइनेंशियल फाने एडवाइजर और खुद की स्टडी करके यहाँ पर आपको पोजिशन देंगे देखिए हम स्क्रीनर पर आ गए हैं और जिस स्टॉक से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं सबसे पहले हम बात करेंगे एच डी एफ सी एसेट मैनेजमेंट कंपनी की अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पर ये जो कंपनी है ये जो आ, एसेट मैनेजमेंट है आपको पता ही है एसेट मैनेजमेंट का काम क्या होता है जो ये काम करते हुए नजर आते हैं ये काम करते हुए नजर आते हैं म्यूचुअल फंड एक तरीके का म्यूचुअल फंड है लोगों से पैसा लेते हैं इन्वेस्ट करते हैं और कुछ परसेंटेज खुद का फीस रख के बाकी यहाँ पर अपने कस्टमर्स को लौटा देते हैं तो ये इनका काम होता है ऐसी एच डी की अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़ी एच डी एफ बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया में जो अभी तक तीन कंपनी लिस्ट है

तो कि यहाँ पर अब यहाँ पर नजर आ रहा है कि वैल्यू बाइंग है फेस वैल्यू की बात करें पांच का यहाँ पर फेस वैल्यू भी है इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये अगर हम यहाँ पर देखते हैं तीन साल का यहाँ पर चार्ट पैटर्न निकाल के लाते हैं इसने यहाँ पर ऑल टाइम हाई लगाया था लगभग अड़तीस के आसपास इसके बाद यहाँ पर पैंडमिक आता हुआ दिखाई दिया और फिर एक ही कंसोलिडेशन फेज में पहले यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज फिर भागता हुआ दिखाई दिया और अभी यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज और यहाँ पर अभी तक इसने अपना ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं किया है तो अब ये लग रहा है कि यहाँ पर ऑल टाइम हाई को क्रॉस

बात करते हैं अगर हम बात करते हैं आईआरसीटीसी की तो आईआरसीटीसी देखिए काफी टाइम तक नहीं चलता हुआ दिखाई दिया था यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो लगभग अप्रैल से लेके यहाँ तक अगर हम देखते हैं तो यहाँ तक लगभग लगभग पूरा का पूरा, पूरा लगभग आठ से नौ महीने नहीं चला था बट एक साथ ही जैसे कोविड अनलॉकिंग शुरू हुई सब कुछ शुरू हुआ ओ खत्म होता हुआ दिखाई दिया ये एफ शेयर फिर दोबारा भागता हुआ दिखा है इसी हिसाब से अगर हम देखे एच डी एफ की अगर हम बात करते हैं किसी भी एम की बात करते हैं तो देखिये यहाँ पर पैसा आना पहले एक बार बंद हो गया था तो यहाँ पर गिरता

मार्केट कैपिटल रखता ज्यादा यहाँ पर मार्केट कैपिटल भी नहीं रखता आर ओ एचडीएफसी आर की बेहतर है ना कि यू टी की बट स्टिल यहाँ पर एचडीएफसी डी यहाँ पर स्ट्रगल कर रही है और बात करें यहाँ पर यूटीआई की वो यहाँ पर भागती हुई नजर आ रही है बट अभी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एच डी की तो यहाँ पर कभी भी यहाँ पर एक पासा पलट सकता है और जो कि मुझे इंटरनेट uh, uh, कहते हैं uh, आ, लग रहा है कि ये शेयर कभी भी यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दे सकता है और यहाँ पर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए एक चार्ट पैटर्न भी यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा था यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए दो चार्ट पैटर्न एक्चुअली बनते हुए नजर आ रहे थे एक ये एक यहाँ पर देखिए ये भी चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है अलग अलग तरीके से तो यहाँ पर से अगर हम इधर से यहाँ पर देखते हैं तो ये एक तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं एक कप बनाया इसके बाद ये हैंडल बना के थोड़ा सा ऊपर जा रहा है यहाँ से ब्रेकआउट देखें सीधा निकल जाएगा और यहाँ पर अगर हम टारगेट की बात करें तो कितना टारगेट यहाँ पर अचीव होता हुआ नजर आएगा सॉरी यहाँ पर अगर हम टारगेट की बात करें एक मिनट यहाँ पर देख लेते हैं तो इस टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो ये टारगेट इजीली 22 परसेंट देखे यहाँ पर दिखा रहा है और इसे हम उठा के अगर ऊपर रख देते हैं तो देखिए इसका ऑल टाइम हाई है ना उसी के आसपास जाता तो अच्छा टारगेट नजर आ रहा है तो कंपनी तो का निपोन लाइफ मैनेजमेंट मेन, कंपनी से रिलायंस निपोन भी कहा जाता था पहले तो यहाँ पर अब देखिए ये भी कंपनी सेम काम करती हुई दिखाई देती है एज वेल एज ये मार्केट कैप की बात करें दूसरे नंबर पर आती है शेयर बाजार में पच्चीस करोड़ कमिट कैप कंपनी का है आरओसी 31 तेईस का है जो कि यूटीआई से बेहतर है यूटीआई डबल हो चुका है इसमें अब डबल होने की चांसेस पूरी है डेट की बात करें जीरो डेट है कोई प्रेजिंग नहीं है इन शेयरों में बाइंग आएगी और देखिए फेस वैल्यू इसका 10 है और कभी भी यहाँ पर जब एक बार भागेगा तो ओबीसी बात है बाद में स्प्लिट भी होता हुआ नजर आएगा दोबारा पिछले दो क्वार्टर की देखे तो सेम सेल्स आती हुई दिखाई दे रही है नेट प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ओके okay, यहाँ पर इन्होंने अपने एक्सपेंस कम कर लिए थे ईयरली बेसिस की बात करें तो सेम स्टोरी है ओके okay, यहाँ पर किस वजह से यहाँ पर कम होता हुआ दिखाई दिया दोबारा कंपनी तो वही सब चीज यहाँ पर दिखाई दे रहा है नेट प्रॉफिट यहाँ पर हाइस्टर आते हुए दिखाई दे रहे हैं रिजर्व की बात करें चौबीस करोड़ के रिजर्व डेट फ्री कंपनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पच्चीस करोड़ रुपए का और यहाँ पर बात करें कैश इक्वलेंट तीन करोड़ रुपए का कैश भी पड़ा हुआ है जो पैसा आता है बुक में दिखाई देता है

यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने पहले भी सपोर्ट लिया था इसी मतलब अपने ऑल टाइम ये तो ऑल टाइम हाई के आसपास ऑलरेडी पहुंच ही गया है एच डी एफ सी एम्स यहाँ पर ऑल टाइम हाई के आसपास नीचे गया है और यहाँ पर अगर देखें यहाँ पर क्या चार्ट पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर देखिए कब विद हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है ये कब है ये हैंडल बनते हुए ये ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ पर जाने के बाद ये शेयर यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देगा और इसके जब टारगेट नजर आएंगे तो ये टारगेट अच्छे खासे टारगेट नजर आएंगे एक बार देख लेते हैं यहाँ पर टारगेट तो इसके जो टारगेट है देखिए यहाँ पर से इसे उठा के हम यहाँ पर रख देंगे ऊपर की तरफ हम्म तो हमारे जो टारगेट यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो कितने नजर आ रहे हैं ये टारगेट हमारे आ रहे हैं कितने छ सौ छियासठ रुपए के अगर छे सौ छियासठ रुपए का मतलब कितना है अगर हम यहाँ पर रिसेंट प्राइस से देखे कि छह सौ छियासठ रुपए का यहाँ पर कितना परसेंटेज बनता है तो आपको लगभग बनता हुआ नजर आ 62% तो 62% तो का अपसाइड नजर आ रहा है और ऐसे जब ये ब्रेकआउट आता है ना तो आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था एच एल में इस तरीके से ब्रेकआउट आने के बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ निकल जाता है एक साल के अंदर अंदर ये पूरा पूछ जाएगा और यहाँ पर एक बार बाइंग दोबारा से आनी शुरू हो गई तो ये दोबारा भागता हुआ नजर आएगा कब कब में यहाँ पर ये टारगेट अचीव कर लेगा आपको पता नहीं चलेगा। जैसे में हुआ था तो इन शेयरों की तरफ रहे रहे अपॉर्चुनिटी है अपने बार बार चीख चीख के कह रहे है कि भाई मुझे भागना है मुझे भागना है और ये कभी भी भागते हुए नजर आएंगे तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है इस वीडियो को लाइक करिए दूसरे को देखिए इस वीडियो को बिठाकर देखिए और यहाँ पर एंजॉय करिए थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस